हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भिंडी मसाला की रेसिपी। भिंडी मसाला तो आपने बहुत खाया होगा पर इस तरह का नहीं बनाया होगा। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है और बना करके रेडी कर सकते हैं आप इसे फटाफट से। मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपको ये भिंडी मसाला बहुत पसंद आएगा। भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए भिंडी यानी कि ओकरा। मैंने आधा किलो लिया, इसे अच्छे से वॉश करके सूखा लिया और उसके बाद जो आगे और पीछे वाले हिस्से हैं इन्हें मैंने हटा दिया है और अब हम इसे करेंगे कट। तो हमें इस तरह से इसे थोड़ा सा लंबे साइज में कट कर लेना है। ये भिंडी हम बनाने वाले हैं बेसन के साथ में और ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भिंडी को मैंने कट कर लिया है और उसके बाद बीच में से हमें इसे इस तरह से भी स्लिट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो भिंडी हमने कट कर ली है और अब हम यहाँ बनाएंगे मसाले के लिए ग्रेवी। तो यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। अदरक डाला है मैंने अराउंड 2 इंच और यहाँ है एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और ये है लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ मैंने ली है 10 से 12। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से पीस लिया है और इसका प्योरी रेडी कर लिया है। यहाँ एक नॉन स्टिक पैन में मैंने ले लिया है अराउंड 3 स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हमें एक बड़े साइज़ का प्याज उसके क्यूब्स कट कर लिए हैं और उसे डाल दिया है और साथ ही में जो हमारी भिंडी है वो इसमें डाल दी है। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाती, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आपको दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद, खुद ही समझ में आएगा। प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लाइक 5 से 6 मिनट, डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके गैस की फ्लेम पर। आप देख सकते हैं मैं आपको हर एक स्टेज पर थोड़ी थोड़ी देर में दिखाती जाऊंगी, बट आपको इसे बिना जलाए नहीं छोड़ना है अदरवाइज़ ये जल जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को लंबा लंबा काट लिया है, हरी मिर्च को वो भी इसमें डाल दिया है। ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। आप देख सकते हैं भिंडी बहुत अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है और दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच बेसन। साइड में जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो फाइनल मेरी भिंडी बनी है वो किस तरह से बनी है, तो वो सब इस बेसन का कमाल होता है। बिल्कुल क्रिस्पी आपकी भिंडी बन करके रेडी होगी। अभी भी हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ है और कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे जब तक कि बेसन भी बहुत अच्छे से भुन ना जाए और बेसन की खुशबू ना आने लगे। अब हम भिंडी के अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 स्पून में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही में 1/4 स्पून यहाँ पर डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर डालेंगे यहाँ पर हम 1/2 स्पून। और इसे भी हम सोते करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसमें हम सारे फ्लेवर्स को एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें अभी कोई भी हमने दूसरे स्पाइसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ फ्लेवर्स हमने इसमें डाले हैं। तो यहाँ आप देखिए भिंडी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, कलर इसमें काफ़ी अच्छा आ चुका है। मुझे टोटल ये प्रोसेस करने में 6 से 7 मिनट लगे हैं। भिंडी को मैंने निकाल लिया है एक पॉट के अंदर और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल फिर से लिया नॉन स्टिक पैन में गर्म हुआ जैसे ही तेल, इसमें डाल दिया है मैंने 1 स्पून जीरा, ये है थोड़ी सी हींग, 1 पिंच के लगभग आप इसमें हींग यानी कि एस्पर्टिना डालेंगे तो इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो प्योरे हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है और इस प्योरे के अंदर ही हमें इसी वक्त डाल देना है रेड चिली पाउडर। तो मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यहाँ पर डाल रही हूँ। रेड चिली और सॉल्ट हमेशा आपको अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, कोई कम खाना पसंद करता है तो कोई ज़्यादा। और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस प्योरे को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। फ्लेम को हमने इस वक्त लो टू मीडियम रखा हुआ है। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी मसाला वो मैंने अपने आप से ट्राई किया हुआ है और मैं भिंडी कई तरीके से बनाती हूँ पर ये वाला जो भिंडी मसाला है मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और इसे आप घर पर ट्राई ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपने देखा अभी इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला जो मैंने 1/2 स्पून ऐड किया है।
साथ ही में हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कार्डमम पाउडर ये मैंने 1/4 स्पून से भी कम डाला है। और इसे अच्छे से सोते कर लेंगे। और इस स्टेज पर आकर मैंने इसमें एक टमाटर को डाइस करके यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके इसमें डाल दिया है। हाफ कप हम इसमें डालेंगे पानी और इसे फ्लेम को लो करके हमें ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। सो मैं इसे कवर कर रही हूँ और उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो 3 मिनट्स हो चुके हैं, 3 मिनट के बाद मैं आपको ये ग्रेवी दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से दिख रही है, जो टोमेटोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से विल्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भिंडी फ्राई करके रखा हुआ है। जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो मोस्टली लोग उसे क्रिस्पी करने के लिए डीप फ्राई कर देते हैं। जो डीप फ्राई करने वाली भिंडी है उसमें ऑयल एक तो बहुत ज़्यादा जाता है, दूसरा वो हेल्दी ऑप्शन नहीं रह जाता आपके लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी भिंडी आप बनाएं अपने ही अकॉर्डिंग इस तरह से बना करके आप ट्राई करें, आपको ये भिंडी मसाला बहुत पसंद आने वाला है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। 2-3 मिनट हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। अब थोड़ी देर में देखेंगे भिंडी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। जब तक भिंडी बन रही है यहाँ मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ इस चैनल पर डाली हुई है। फ्रेंड्स आई होप आपने मेरी सारी रेसिपीज़ चेकआउट की होगी। मोर देन 200 रेसिपीज़ स्वीट्स की और ग्रेवीज़ हैं, करीज हैं, काफ़ी सारे स्नैक्स हैं, स्वीट्स हैं और इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, क्विक और इजी रेसिपीज़ है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं हमेशा यहाँ पर वेजिटेरियन रेसिपीज़ बनाती हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मिक्स वेज रेसिपी है, मिक्स वेज है, काफ़ी सारी चाट्स हैं, पकौड़ाज़ हैं, जैसे कि रगड़ा पेटीज चाट है, घर पर बनाया हुआ है, मोतीचूर के लड्डू हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारे किचन टिप और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। काफ़ी सारे किचन हैक्स भी आपको मिल जाएंगे और बहुत छोटे छोटे बट बहुत ही काम के इस तरह के पेस्ट, जैसे कि ये अनियन का पेस्ट है, ये मैंने घर पे बनाया है, इस तरह की चीज़ें भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। भिंडी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग बॉल में और इसे आज हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चपाती के साथ में। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पर यानी कि कुसुम्स किचन को फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पर फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज़, स्वीट्स की रेसिपीज़, हेल्दी टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और साथ ही मैं आपके साथ में किचन हैक्स, कुकिंग हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, उन सभी का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप भी भिंडी बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।